निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं पिटारा खोल रहा हूँ अब भर्ती का, और सारे बच्चे तालियों के साथ स्वागत करना भाई, ठीक है? देखो फिर कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ जनरल वालों 113 से लेके 118 इसके ऊपर नहीं जाएगी आप लोगों की, क्योंकि ये एसटीसी वाले बच्चे हैं, संभावित पद लगभग 16,000 मानते हैं अपन। भाई फर्स्ट वालों तुम्हारे 16,000 पद है, और जनरल वाले 113 से लेके 118 सीट, मैंने पहले भी बताया था 115 ही जाएगी। तो मेरा मन आज भी वही कह रहा है, मेरा मन डगमग डगमग डावाडोल नहीं कर रहा है, मतलब 118 के ऊपर जाएगी नहीं, मेरा मन कह रहा है 115 113 ये यही रहेगी। और ईडब्ल्यूएस वालों खुश होना चाहिए आप लोगों को, 110 के ऊपर वाले आराम से सिलेक्शन है, और ओबीसी वालों 112 भी तुम्हारे 2 अंक ऊपर चल लेंगे। एमबीसी वाले 110 हैं, एससी वाले 107 हैं, और एसटी वालों लोगों लोग तो ये कह रहे हैं एसटी वालों की 108 जाएगी, मेरा मन कह रहा है 108 नहीं, 106 से 108 जाएगी। तो अब देख लो ये कट ऑफ है, और ईमानदारी की बात यह है, मेरे पास एक आज विद्यार्थी आया था, और वो विद्यार्थी मेरे पास ही पढ़ा हुआ था, और उसके 130 नंबर आ रहे हैं। तो मैंने उससे ये पूछा कि भाई तेरे 130 नंबर आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन तू तो मुझे ये बता कि तेरे मिलने जुलने वाले राजस्थान में तेरे ऐसे कितने एक बच्चे मिले जिनके 130 हैं। तो उसने कहा, संदीप सर मैंने बहुत लोगों से पूछा, किसी के नहीं है। अब 130 वाला किसी के नहीं है, अब ऐसे 130 वाले कितने एक होंगे, मुश्किल से 500 होंगे, 1,000 होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। बहुत भाग्यशाली आदमी हो आप कि आपका सबका सिलेक्शन हो रहा है यार। एक बच्चा बोला टीएसपी की, टीएसपी वालों आप तो टेंशन करने की जरूरत ही नहीं ना, आप तो ढंग से मार्कशीट को भर के आ जाओगे, मुस्कुराने की बात नहीं है, ढंग से भर के आ जाओगे, इतनी मेहनत आप लोगों ने की है, अब आपकी और भी निकली जाएगी। तो ये तो ही रिटेल लेवल फर्स्ट वालों की, जनरल वालों के 113 से 118, ईडब्ल्यूएस वालों के 110 से 115, ओबीसी 112 से 115, और एमबीसी वाले 110 से 115, एससी वाले 107 से 110, और एसटी वालों 106 से 108, इससे ज्यादा नहीं जाएगी।